आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कॉम्प्लेक्स ऑफ PT2+ एंड AU3+ आर स्क्वायर प्लानर इंक्लूडिंग विद वीक फील्ड लिगेंड्स सच एज हैलाइड्स। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। क्यों? अगर हम देखें तो प्लैटिनम और गोल्ड दोनों ही हमारे पास, हम देखें तो 5D सीरीज के एलिमेंट है, 5D सीरीज के एलिमेंट है, और प्लैटिनम +2 एंड AU3 पॉजिटिव, दोनों की जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 5D8 होती है। तो अगर देखें तो वैसे तो हैलाइड आयंस हमारे पास वीक फील्ड होते हैं, तो पेयरिंग नहीं करवानी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन्स की, बट जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनका जो सार जो लार्जर साइज जो है वो लार्जर होता है, और लार्जर साइज की वजह से जो इनकी इंट्रैक्शंस है, इंट्रैक्शंस विद द लिगेंड्स वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, विद द लिगेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की वजह से जो इनका बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन विद लिगेंड्स, बॉन्ड वो होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है लिगेंड्स के साथ, ठीक है। तो जो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो स्प्लिटिंग हायर हो जाती है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज लार्जर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जो हमारे पास वीक फील्ड एंड में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके रिजल्ट इसका जो रिजल्ट रिजल्ट होता है वो होता है हमारे पास जो पेयरिंग एनर्जी है वो हमारे जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हमारे पास पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड अप हो जाते हैं, पेयर्ड अप इसमें हमारे पास पेयर्ड अप हो जाते हैं, और पेयर्ड अप हो जाते हैं तो हमारे पास जो है एक डी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है। यहाँ पे आकर देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जब हमारे पास हैलाइड आयन जाएंगे तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही हमारे पास स्क्वायर प्लैनर दे सकते हैं, तो चार जो अपने पेयर डोनेट करेंगे, एक एस में, एक एस, एक डी में, एक एस में और दो पी में, तो ये DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास स्क्वायर प्लैनर होती है, इस वजह से हमारे पास ये वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ भी स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द T2 ऑर्बिटल्स आर नियर टू द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कोई भी जो भी T2G या EG ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के T2G एंड EG ऑर्बिटल्स होते हैं, वो डायरेक्टली इंक्लाइंड नहीं होते किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्टली इंक्लाइंड नहीं होते किसी भी डायरेक्शन में जहां से लिगेंड अप्रोच करे, डायरेक्टली नॉट इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, बट जो हमारे पास जब जहां से लिगेंड अप्रोच करते हैं वहां से हमारे पास जो T2 ऑर्बिटल है वो उसके सबसे ज्यादा पास होते हैं, तो इसलिए रिपल्शन हाई होती है, रिपल्शन हाई क्योंकि जो T2G ऑर्बिटल्स है यार प्रेजेंट नियरर टू लिगेंड्स, ठीक है, जहां से लिगेंड्स आ रहे हैं इसीलिए जो हमें इसमें रिपल्शन ज्यादा होती है, और ये जो हमारे पास ऑर्बिटल की हाई एनर्जी होती है, और जो टेट्राहेड्रल की जो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की वो कुछ ऐसे होती है, T2G तो 3 ऊपर और EG 2 नीचे, तो EG की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और T2G की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है हमारे पास। फिर है फॉर D0, D5, D10 अरेंजमेंट ऑफ द CFC इज 0 इन बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद वीक फील्ड लिगेंड, अब हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग तो करवा नहीं सकते, ठीक है। अब मैंने टेट्राहेड्रल को तो दिखा दिया आपको, ये T2G होता है और ये EG, और ये हमारे पास बैरी सेंटर, ठीक है, और जो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है इन डेल्टाटी, और इसकी जो एनर्जी डिक्रीज होती है जो EG ऑर्बिटल्स की होती है वो -3/5 ΔT, और जो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है वो होती है T2G की ΔT 2/5 ΔT, और ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की वो हमारे पास होती है EG और T2G, ठीक है, ये दिखाएं तो ये T2G और EG, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है, इसमें देखें तो ये हमारे पास बैरी सेंटर, ये जो EG की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है 3/5 ΔO से, और डिक्रीज जो T2 की डिक्रीज होती है वो 2/5 ΔO से -2/5, तो अगर D0 में देखें तो CFS 0 रहेगी, टेट्राहेड्रल की बात करें, फिर D5 की बात करें, ये D0 के लिए D5 की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन EG में, यहाँ पे एक, तीसरा, चौथा और पांचवा, और अगर इसकी CFS कैलकुलेट करेंगे तो होगी -3/5 × 2,
माइनस टू, 2/5 इंटू 3, जितने इलेक्ट्रॉन सी जी में थे उसको 2/5 से, जितने इलेक्ट्रॉन टी टू जी में थे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितने ई जी में थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डेल्टा टी, तो जब इसका टोटल निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और जब डी 10 का निकालें तो ये पेयरिंग हो जाएगी इसमें, और पेयरिंग होगी तो 5 इलेक्ट्रॉन एक एक और में चले गए, तो फिर वही उतनी एडिशन हो जाएगी। इसकी सी एफ एस सी निकालेंगे तो -3/5 इंटू 4 प्लस 2/5 इंटू 6 डेल्टा टी, तो ये भी हमारे पास 0 आई, ठीक है। और अब ऑक्टाइडल की, सिमिलरली ऑक्टाइडल बात करें डी 0 की, तो हमारे पास सी एफ सी 0 क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल फिल नहीं होगा। फिर डी 5 की बात करें सी एफ एस सी की, तो इसमें एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक ई जी में, तो इसकी सी एफ एस सी होगी 2/5 इंटू 3 प्लस -2/5 सॉरी प्लस 3/5 इंटू 2 डेल्टा ओ, तो ये भी हमारे पास 0 आएगी, डी 5 के लिए 0। और जब डी 10 की सी एफ एस सी निकालेंगे तो ये भी फिलिंग हो जाएगी इसकी, पेयर्ड अप हो जाएंगे सारे ऐसे, ठीक है। और डी 10 की आएगी हमारे पास -2/5 इंटू 6 प्लस 3/5 इंटू 4 डेल्टा ओ, ये भी हमारे पास 0 आई, तो डी 10 की 0। तो इसमें देखें तो सबकी सी एफ एस सी 0 है, वीक फील्ड लिगेंड हो जाए हमारे पास, तो ये भी ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन नौ दो होगा, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास डी, कि नन ऑफ द अबव इज ऑप्शन करेक्ट डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।